हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी दुआ से हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैं। और अभी जुहान स्कूल से आए नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं, आने वाले होंगे। और यहाँ पे देखिए इस बिल्ली, अरे अंदर घुस गई स्टोर के। चल निकल निकल निकल। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नान क्या खा रहे हो? रबड़ी। क्या हुआ? रबड़ी खा रहे थे। इतना मुंह क्यों दे रहा? मम्मा से नाराज हो? बना नहीं 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 तो मम्मा से। आज जहान को बहुत डांट पड़ी। हर वक्त जब स्कूल से आते हैं तो रबड़ी रबड़ी, इतना मीठा खाता है ना तो नुकसान करता है, ये नहीं सोचते हो? मम्मा सुनो, हाँ बताएं ब्लॉग के लिए क्या करना। सबसे पहले जाना जाना, हम कहेंगे मम्मा आप बैठी रहना, है ना? आप कहना, हम कहेंगे कि मम्मा देखो यहाँ क्या है, कीड़ा टाइप का, आप जल्दी से आने क्या है, है ना? तो आपको हम टिप करके आ जाएंगे जल्दी से। हाँ अच्छा ठीक है, ये एडवाइस दे रहे हो क्या मम्मा को? मम्मा यहाँ तो फिर ये कि बताए मम्मा एक बार क्या आना कहीं मॉल वॉल तो हमें साथ में लेके चलना, ना तो बताएं ब्लॉग आपका बंद हो जाएगा गलती से। हाँ यूट्यूब वाले बंद कर देते हैं ना। ये क्या खा रहे हैं? ग्लूकॉन डी बेटा। अरे बाप रे, नुकसान करता है ना, डायरेक्ट खा रहे। मम्मा बताएं ये जेली फिश के साथ मिली, अरे जेली फिश कह रहे हैं, ये पहले 10 की थी अब 7 की हो गई। मम्मा सुनो, आपको एक और एडवाइस दे। क्या एडवाइस? एक और दे। क्या एडवाइस? एडवाइस क्या? एडवाइस 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 कर दे। मम्मा देखो सबसे पहले नहीं, हाँ मम्मा सबसे पहले क्या करना, जल्दी बताओ। मम्मा सुनो, पुराना वाला फोन किसको दोगी जो आपका टूट गया है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। जब हम इंटर पास हो जाएंगे, सॉरी हाई स्कूल पास हो जाएंगे, मम्मा जब हम सेकंड वो पास कर लेंगे तब हमें अच्छे से, तब हमें दे दोगी फोन? नहीं। क्यों? छोटे बच्चे मोबाइल नहीं लेते। लेते हैं, मेरा दोस्त भी लेता है। तो लेता होगा, उसके पास खुद का है। नहीं और ये इंसुलिन का प्लांट है, इसको खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको मॉर्निंग में एक पत्ती ज़रूर खाना चाहिए, उससे शुगर कंट्रोल रहती है। जा रही हूँ, शाम की चाय बना रही हूँ। इधर मेरी चाय बन गई है, मेरे मियाँ जी आ गए तो मैं चाय बना रही हूँ। बनने वाली है, अरे बाप रे बच गई, बनने वाली थी वरना अभी बन जाती पूरी चाय गिर जाती यहाँ पे, बच गई। तो चाय पीने के बाद मिलती हूँ फिर आप लोग से। तो आज मैं डिनर में बना जा रही हूँ कीमा और आलू। तो सबसे पहले तेल 2 चम्मच डालना है बड़ा, उस पर प्याज 1 बड़ी चॉप करके डालना है सही से, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालना है। बट जो अरमान ने मेरे शूट नहीं किया था तो कीमा शूट नहीं हो पाया। अब उसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा, वो भी मिलाना है। फिर
फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, जो कीमा डाला है तो उसमें जीरा और तेज़पत्ते का खूब अच्छे से वो करके भून लेना है। उसके बाद ही सब डालना होता है। गरम मसाला, नमक डालिए। अब एक टीस्पून लाल मिर्च डाल करके उसको चला दीजिए। अब अच्छे से खूब भून जाए। खूब देखिए इसमें से तेल निकलने लगा है, कीमे से तेल। तो उसको प्रेशर ले लीजिए, इसमें ढक्कन लगा के 2-3 सीटी उसमें ले लीजिए। अब उसमें प्रेशर हो गया तो उसमें टमाटर डालिए। 2 बड़े टमाटर चॉप करके डाल दीजिए और आलू मिक्स कर दीजिए। डाल करके खूब चला लीजिए अच्छे से। अब इसमें डालिए आलू। जितना भी आलू डालना हो, कुछ कम डालते हैं, कुछ ज़्यादा डालते हैं। मैंने 2-3 बड़े आलू बराबर से काट करके डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना, डालिए वरना ऐसे ही इसमें पानी रहता है। 2-3 सीटी ले लीजिए। जब देखिए हो जाता है, ढक्कन खुल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और गार्निश के लिए धनिया डाल दीजिए। अब हो गया कीमा आलू कंप्लीट। जोहार मेरा कई दिनों से बोला था कि मम्मा पार्क चलिए, तो हम लोग वहाँ पे पार्क गए। रात में काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी लोग अपने अपने बच्चों को लेके आए थे, तो इतना फन किया बच्चों ने, सारे बच्चों ने वहाँ पे फन किया, काफ़ी मस्ती की, एंजॉय की। तो हो गया छोटा मोटा सा अपना गैदरिंग वहाँ पे। लेडीज भी बहुत आती हैं, काफ़ी अच्छा भी लगा। तो अटैक की पहचान ये है कि सीने में दर्द उठता है बहुत तेज, और क्या नाम है, पसीना निकलने लगता है। अच्छा, तेज पसीना निकलने लगता है। तो आप ऐसा कीजिए कि अदरक का एक टुकड़ा लेके उसको मुंह में डाल दीजिए, कह दे इसको चबाओ। जब चबाएगा तो आंख लाल होगी, आंसू बहुत निकलेंगे। अच्छा, तो हाँ, तो अटैक रुक जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर आप हॉस्पिटल में जाके दिखाइए किसी को भी। लेकिन ये कि इससे उतने वक्त अटैक जो है वो खत्म हो जाता है, अटैक नहीं आने पाता, रुक जाता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है अदरक ना, अदरक बहुत फायदा करती है हर चीज में। बालिश गिर रहा है, पर्दा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है या कुछ हो रहा, उसमें भी इसको खिला दीजिए। अच्छा, फौरन। और क्या नाम है, और घर में हर एक को बता दीजिए, कोई वक्त कोई रहा कोई नहीं रहा। सही बात है, अटैक आजकल बात मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता, ऐसा अगर हो रहा है तो आप अदरक का टुकड़ा
मुंह में डाल के कहते चबाए, और अगर वो बेहोश हो गया अटैक में बेहोश हो गया या फालिज में बेहोश हो गया तो दवा भी नहीं खिला सकते कुछ नहीं, तो आप हरा मिर्चा कुचल के और उसके जबान के नीचे डाल दीजिए। अच्छा तो उसको होश आ जाएगा फौरन। अरे वाह, ये सब नॉलेज होनी चाहिए घरेलू जो ना मतलब उस टाइप से आ जाएगा। और क्या नाम है, या फालिज का, जैसे फालिज गिरा आदमी बेहोश हो जाता है और या गिरा अटैक में बेहोश हो जाता है तो इसको डाल दीजिए। अगर आपके पास हरा मिर्चा नहीं है कुछ में तो आप पिसा हुआ लाल मिर्चा डाल दीजिए। अच्छा, आजकल लोगों को अटैक भी कितना पड़ रहा है ना, होश आ जाता है, फिर आप जो है ले जाइए डॉक्टर को दिखलाने तो उतने वक्त कंट्रोल हो जाती है। बहुत अच्छी वाकई नॉलेज की बात है। और ज़्यादातर लोगों कितना अटैक भी पड़ रहा है, कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं इसी अटैक में, तो ये वाकई घर घर में ये नॉलेज होनी चाहिए कि इमरजेंसी में कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या करें तो ये सब खा लें तो इससे रुक सकता है, रुक सकता है। और घर में हर एक को बता देना चाहिए। हाँ सही बात है, थोड़ी बड़ों को मालूम है, लड़की लड़का है बड़े हैं तो इस वजह से कि उन लोगों को नहीं मालूम ये बात, तो हर एक को ये चीज़ नॉलेज में रहना चाहिए कि अगर खुदा न खासा किसी के भी ऐसा हो रहा है तो फौरन जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो उससे अटैक भी रुकता है, पानी भी रुक जाता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं नीचे से डिनर पका के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ थोड़ा खाने पीने। मेरे दांत पे कुछ फंस गया है। क्या, ब्रश करो जाकर, ब्रश कर लो। लेकिन वो निकल। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा छोटा मोटा नन्ना सा ब्लॉग कैसे लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सास ने आज कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज की बात बताई, आई होप आप लोग को वो पसंद आई हो, क्योंकि बहुत सारा घर पे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका घरेलू इलाज होता है, जिससे फ़ायदे भी होते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्द करवा दीजिए, जिससे ब्लॉग बनाने में और भी अच्छा लगे। अब अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, तभी आपको नया ब्लॉग की नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और अरमान, कुछ कहना चाहोगे? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।